Shock. हिमालय की तलहटी में बर्फ की राजसी चोटियों की कोख में हरे भरे जंगल के किनारे बसा है एक सुंदर और जादुई राज्य सूरजपुर। लेकिन इस स्वर्ग से राज्य में सब कुछ ठीक नहीं है। पासी जंगल के उस पार पहाड़ी के अंदर जमीन के हजारों फीट नीचे एक भयानक और गुप्त खदान है। जल्दी चलो वरना हम शुरू हो जाएंगे। वहां सूरजपुर से अगवा किए हुए हजारों नागरिकों को गुलाम बनाकर मजदूरी करवाई जाती है। उन पर अमानवीय अत्याचार किया जाता है और इंसान की जिंदगी का कोई मूल्य नहीं है। कई रोज लोग दम तोड़ देते हैं और मुर्दों को भी कचरे की तरह उठाकर फेंक दिया जाता है। किसी भी बदनसीब का वहां न दाह संस्कार किया जाता है और ना ही दफनाया जाता है। खदान के सुपरवाइजर्स को बस एक ही डर रहता है, गुरुकाल को कैसे बताए कि मजदूर कम हो रहे हैं और इसका काम पर बुरा असर हो रहा है। गुरुकाल दुनिया के सब बुरे काले जादूगरों का नेता है। कुछ भी ऐसा बुरा नहीं है जो वो ना करे। कोई ऐसी क्रूरता नहीं है जिसमें उसे मजा ना आता हो और कोई ऐसा लालच और प्रलोभन नहीं है जिससे वो प्यार ना करता हो। वो सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है, कोई उसका अपना नहीं है। काली दुनिया का पिताज बादशाह मैं गुरुकाल, मायावी कलयुग का वंशज। बस एक बार सूरजपुर की धरती में खड़ा हुआ सोना मेरे हाथ लग जाए, उस सोने से भ्रष्ट कर दूंगा सूरजपुर के लोगों की सोच समझ और बुद्धि। और फिर हे अंधेरी दुनिया की शक्तियों, ताकत दो मुझे। अब जरा मुझे बाहर रोशनी की दुनिया दिखा। देखना चाहता हूं मेरा जाने दुश्मन वो मायावी आदित्य, खुद को महादेव और सूर्य देव का बड़ा उपासक मानता है, वो इस वक्त कहां है आदित्य? रुद्र और कलयुग से शुरू हुई ये बुरे और भले की प्रतिद्वंदिता आज 5000 साल बाद आदित्य और गुरुकाल के बीच थी। आदित्य रुद्र के वंशज हैं और उन्हीं की तरह अपनी जादू का इस्तेमाल जनहित में करते थे। आदित्य सूरजपुर के सेनापति भी थे और सूरजपुर के राजा और प्रजा की रक्षा उन्हीं की जिम्मेदारी थी। वो आज राजधानी सूरजगढ़ के रास्ते में स्थित एक भव्य सूर्य मंदिर में अपनी पत्नी रुक्मिणी और अपने पुत्र अविनाश के साथ आए हुए थे। कैसा अपशगुन था बाबा? ये अपशगुन नहीं पुत्री, एक संकेत है। ये कोमल निर्मल हृदय वाला तुम्हारा पुत्र अभी बड़ा होकर कई मायावी शक्तियों का स्वामी बनेगा, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ कोई एक बुरी शक्ति अकाल संकट उत्पन्न कर सकती है। भक्षक, मेरे तीनों सेनापति जहाँ कहीं भी हो उन्हें तुरंत यहाँ बुलाओ। नागेंद्र, स्वप्न सुंदरी और गायन, जाओ तो जाकर कुबेर के खजाने का पता लगाओ। लेकिन गुरुकाल। लेकिन क्या? खान के चारों आपके बनाए हुए जादुई कवच के कारण आज तक हमारे इस काम को कोई देख नहीं पाया है। अगर हम इस दायरे से बाहर निकले और अगर उस आदित्य ने हमें देख लिया तो मेरे और मेरे खजाने के लिए
अगर वो रुद्र का रक्षक आदित्य आया तो ना सिर्फ उसका बल्कि उसके पूरे परिवार का नाम और चैन मिटा देगा। ये गुरुकाल। बाबा आप ही कोई उपाय बताइए ना। पुत्री ये सप्तक अस्त्र अत्यंत शक्तिशाली है, आवश्यकता पड़ने पर तुम अपने पुत्र की रक्षा के लिए इसका उपयोग तभी कर सकती हो जब आदित्य इस बच्चे से दूर हो। आजा मेरा बेटा। रावी बेटा आ गया। यहाँ सूरजपुर वासियों की भीड़ कैसी? पता नहीं। ठीक है आप सब लोग अंदर चलिए, मैं आता हूँ। चलो। आपके सिवा हमारा कोई सहारा नहीं है। पिछले कुछ महीनों से सूरजपुर से कई लोग गायब हो रहे हैं, किसी का कोई अता पता नहीं है। हमारी सहायता कीजिए सरकार। सूर्य के प्रताप उज्जवल रहे, रुद्र के रक्षक विजय रहे। मेरे तीनों सेनापति प्रकट हो। प्रणाम हुकुम। शेर सिंह, गिगली, ऋतमानव, क्या तुम्हें इस नए खतरे का आभास था? हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, चलिए हमारे साथ। चलिए। जादुई कवच को तुम्हारी आंखें भेद नहीं पाएगी आदित्य। हुकुम, यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है जो हम देख नहीं पा रहे। ओम आदित्याय विद्महे मार्तंडाय प्रचोदयात्। राजा को जाके सब कुछ बता देगा। आदित्य मेरी सोच से बढ़कर निकला, लेकिन जहां आदित्य की सोच खत्म होती है वहां गुरुकाल की सोच शुरू होती है। आज अमावस्या की रात में होगा आक्रमण, विनाश लाएगा यह गुरुकाल। ओम आदित्याय। किरण को मैंने कैद कर लिया है आदित्य, अब तुम हरि सिंह को कुछ भी नहीं दिखा पाओगे। यहाँ तो सब कुछ सामान्य है, तुम अब तक कुछ साबित नहीं कर सके हो और ना ही मुझे कोई कवच नजर आ रहा है। वापस चलो। लेकिन महाराज, आदित्य अभी आज युद्ध पर जाना जरूरी क्यों है? वो शैतान गुरुकाल रात के अंधेरे में ही वार करेगा, मैं उसे समय नहीं दे सकता। आदित्य! आदित्य संकट में, मुझे जाना होगा।
जब तक ये दिया जलता रहेगा समझ लीजिएगा कि मैं और आदित्य जीवित हैं। आदित्य! जा गुरुकाल, ये सब तक अस्त्र तुझे 7 साल के लिए निर्जीव कर देगा। जा उसी अंधेरी गुफा में जहां से तू वापस आया था। काल के काले जादू की ताकत की वजह से आदित्य और रुक्मिणी अनंत काल तक नरक की आग में फंस गए और आज 7 साल के बाद जहां आदित्य के मासूम बेटे अवि का जन्मदिन था वही गुरुकाल अपनी कैद से मुक्त होकर अंधेरे सायों से वापस आने वाला था और अब इस बंद दरवाजे का राज बहुत जल्द खुलने वाला था। मालिक, होश आ गया मेरे मालिक को। 7 साल, 7 साल तक आप बेहोश थे। मैंने दिन रात आपकी सेवा की है महाराज। अब और इंतजार नहीं होता। कहाँ है कुबेर का खजाना? तुम्हें जितना खजाना चाहिए मैं दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम्हें मुझे मेरी गुफा तक ले जाना होगा। भक्षक, जहां भी हो प्रकट हो। आपका काल आज भी जीवित है गुरुकाल। कौन? आदित्य का पुत्र अवि। दिखाओ कौन है अवि। थैंक यू मुझे बर्थडे विश करने के लिए। अरे अरे, हैप्पी बर्थडे। क्या यार, ऐसे भी कोई बर्थडे विश करता है? कहाँ है नागिन? तुम्हें मेरे लिए किसी की जान लेनी होगी। चकली चकला चुन, जय जय हो गुरुकाल। कर दिया कमाल, मार के अपने दुश्मनों को कर दिया बेहाल। उठ गई अर्थी अभी की, हो गया गुरुकाल अमर। अंधेरा घना रहे लेकिन कुबेर के खजाने में सकुर का हिस्सा भी बना रहे। अभी क्या कर दिया अभी को? अब तो नहीं बचेगी। दोष नागे, दादी सूरजपुर में फिर माया भी शक्तियां आ गई है। अवि को बचाना ही होगा। दादी, दादी, काका, दीदी, जल्दी आइए।
शाबाश नागिन, हो गया उस आदित्य के परिवार का सर्वनाश। दिखाओ भाषण, मैं अपनी आंखों से उस घर का मातम देखना चाहता हूं। अभी जिंदा कैसे, कैसे हो ये भक्षक? अवि की माँ के वरदान के कारण। वरदान? कैसा वरदान? रुक्मिणी का ये वरदान है कि अवि को इस दुनिया में कोई नहीं मार सकता। तो कैसे मारा जा सकता है भक्षक, बताओ? अवि को सिर्फ जादुई लोक में मारा जा सकता है। काका, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। कोई भी डॉक्टर या वैद्य कुछ नहीं कर पाएगा अभी। दादी का इलाज अब सिर्फ बंद दरवाजे के पीछे। बंद दरवाजा? हाँ, और उसकी चाबी सिर्फ मालकिन के पास है और उनके पास ज्यादा समय भी नहीं है। अमावस्या 2 दिन के बाद है और तब तक अगर कुछ नहीं हुआ तो मालकिन बच नहीं पाएगी। चलो बंद दरवाजे की तरफ। गुरुकार, अब एक लॉटरी की टिकट खरीदी लो। ये बच्चा तो वही जा रहा है ना जहां इसकी मौत निश्चित है। लाइट होती तो अच्छा होता। बंद दरवाजे के पीछे की जादुई दुनिया में चला गया है। वहां तो उसकी जान को खतरा है। चीजें उस जादुई दुनिया में जाने का केवल एक जरिया ही नहीं है बल्कि वहां हर एक खतरे से लड़ने के लिए ये एक हथियार का काम भी करेगा। अभी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। इस जर्नी से वापस आना चाहते हो तो वही करो जैसा अभी कहता है। मैं दोनों शक्तियाँ अपने कजिन विशु और माया को देना चाहता हूँ। मिलता हूँ मैं, मेरे अंदर घर कई, मुझ में दरवाजा भी है लेकिन मैं किसी का घर नहीं। ये क्या है? पहेली पर खुरदार, और इस पहेली का जवाब है जादुई दुनिया का दरवाजा। इस पहेली को तुम लोगों को ही हल करना होगा। तुम जहाँ जा रहे हो वहां से कभी वापस नहीं आओगे। तुम अपना दिमाग लगाना बंद करो। हमारे पास ये शक्तियाँ हैं और हम इन्हीं से अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओ तेरी, मैं तो भूल गया कि हमारे पास ऐसी भी चीज है जिसमें पावर है।
चले जादू शुरू करने। कैप्टन अभी हम तैयार हैं।